अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू शोएब अख्तर यूट्यूब चैनल। और आज हम बात करेंगे एक और परफॉर्मेंस की, और उसको डीकोड करने की कोशिश करेंगे। वो है आईपीएल का मैच, जो बड़ा ही फेमस रहा, मेरा पहला मैच था। और उस मैच से पहले क्या हुआ और उस परफॉर्मेंसेज में क्या हुआ, वो मैंने क्यों ऐसे आउट कर लिए ज़्यादा। Rawalpindi Express has left the station. मुझे क्यों लगा कि मैं कर सकता हूँ। थोड़ी सी इसके पीछे एक स्टोरी है, बिल्डअप है, वो ये है कि मुझ पर बैन लगा हुआ था 5 साल का, जो बड़ा रॉन्गली पीसीबी चेयरमैन ने मुझ पर अपोज कर दिया था, लगा दिया, थोप दिया मेरे ऊपर। तो मैंने उनसे यही कहा था कि आप मुझे ज़्यादा देर बैन नहीं रख सकते, क्योंकि मैं यहाँ से निकल जाऊँगा। उन्होंने कहा मैं भी देखता हूँ। मैंने कहा जी मैं भी देख लूँगा। सो जब उन्होंने बैन लगा दिया तो मेरा कॉन्ट्रैक्ट जेपटाइज हो गया आईपीएल का, और मैं नहीं जा सका। आई वॉज अबाउट टू लॉन्च द कैंपेन, फाइल द केस अगेंस्ट हिम इन द कोर्ट, लेकिन उससे पहले ही जो मौजूदा गवर्नमेंट थी उस वक्त की, आसिफ जरदारी साहब, उन्होंने इंटरवीन करके ये मामला ख़त्म करवाया। और उन्होंने ये कहा कि अगर ये चेयरमैन करता है काम हमारा तो ठीक है, नहीं करते उसको चेंज कर दो। तो मैं बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ उनका, और उन्होंने बहुत हेल्प की, और मेरे दोस्त फैसल बट साहब, उन्होंने बड़ी हेल्प की। तो जरदारी साहब चाहते थे कि मैं आईपीएल खेलने जाऊँ। सो क्रिकेट बोर्ड को इतला कर दी गई और बता दिया गया कि शोएब जाएगा खेलने। जब मैं वहाँ पहुँचा तो शाहरुख के फ़ोन बार बार आ रहे थे, शाहरुख खान के, और कि कब पहुँच रहे हो, क्या हो रहा है। उन्होंने पर्सनल रिक्वेस्ट की, क्रिकेट बोर्ड से भी करते रहे, आगे भी लोगों से फ़ोन करते रहे, सौरव गंगुली भी फ़ोन करते रहे और पूछते रहे कि क्या बनने वाला है, क्या होने वाला है, तुम आ रहे हो कि नहीं आ रहे हो, क्या बनेगा। तो मैं उनसे यही कह रहा था कि शायद मैं पहुँच जाऊँ, देखें कि बैन हटता कि नहीं हटता। सो अभी आई वॉज़ इन टू माई फर्स्ट मंथ ऑफ द बैन। तो बैन इसलिए लगाया था, मैंने उनसे कहा पाकिस्तान में इतने तेज़ नहीं बनाते हो आप लोग, तो हमारी कमरें टूट जाती हैं, हमारे जॉइंट्स हिल जाते हैं, आप कंसिडर कीजिए इस चीज़ को। तो वो थोड़ा इस पर आपके चेयरमैन साहब गर्मी खा गए, उससे पहले भी उन्होंने मेरी उनके साथ ज़्यादा अच्छी बनती नहीं थी। बहरहाल पर्सनल मैंडेटा के ऊपर मुझे उन्होंने बैन लगा दिया, और कुछ हमारे दोस्त हैं जिन्होंने कोशिश की कि इस पर बैन लगा रहे। बहरहाल पार्ट एंड पार्सल लाइफ के, कुछ लोग आप मदद करते हैं, कुछ लोग आप मदद नहीं करते। मैं आईपीएल पहुंच गया, शाहरुख खान ने बड़ा मेरा ख्याल रखा, उन्होंने बड़े मुझसे लाड किया, बड़ा प्यार किया, और मुझसे पूछा कि आप अब रेस्ट करो, नहीं खेलो। और मैंने कहा नहीं, मेरे लिए बहुत ज़रूरी है खेलना अभी, और इसी वक्त खेलना ज़रूरी है। सौरव गंगुली ने पूछा कितने फिट हो भाई आप, मैंने कहा यार सौरव ज़्यादा नहीं। उसने टीम मीटिंग में कहा भाई शोएब बिल्कुल फिट है। कोच जो जॉन बुकैनन थे, उन्होंने कहा नहीं शोएब बिल्कुल फिट नहीं है। तो सौरव गंगुली ने कहा कि मुझे आधा शोएब अख्तर भी चलेगा, और आधा शोएब अख्तर भी पूरी टीम पर भारी है, तो ये खेलेगा, आप चुप करके बैठ जाएं साइड। उन्होंने कोच को शटअप कॉल दी, मुझे खिलाया। जब अंदर गया मैं तो 1 लाख का मजमा, कोलकाता भरा हुआ। जब मैं एक टाइम पे खेला तो उसी क्राउड का रिएक्शन बहुत स्ट्रांग आता था मेरे खिलाफ। अब मैं जब कोलकाता से खेल रहा हूँ तो कोलकाता वाले मुझे अपने आँखों पे, सर पे उठा लिया, आँखों पे बिठा लिया, और बहुत प्यार किया मुझे कोलकाता ने, और मैं कभी भी नहीं भूलूँगा उनका प्यार, और बहुत इज्जत दी और बहुत प्यार किया उन्होंने मेरे साथ। तो सारा क्राउड मेरे पीछे आ गया, पूरा हिंदुस्तान का मीडिया, पूरा हिंदुस्तान का जो सिस्टम था मेरे पीछे आ गया बैकिंग के लिए कि शोएब यहाँ पे खेले और परफॉर्म करें। और उनकी क्रिकेट के लिए भी अच्छा था, आईपीएल के लिए भी अच्छा था कि मेरे जैसे क्रिकेटर्स आके खेलें और आईपीएल के ब्रांड को भी इंडोर्समेंट मिले। शाहरुख ने मुझे कहा यार भाई तुम्हें बहुत प्रेशर है, और देख लो अगर तुम खेल सकते हो तो खेल लो, नहीं खेलना कोई ऐसी बात। मैंने कहा नहीं शाहरुख खेलना। मैंने अच्छा, जब मैं अंदर गया, मेरे जो सख्त हरीफ हैं सहवाग, जो मेरे खिलाफ़ अच्छा खेलते रहे हैं और काफ़ी दफ़ा उनको आउट भी मैंने किया, तो मैंने उनसे जब वो अंदर आ रहे थे तो मैंने सौरव ने कहा यार कि इसको आगे बॉल करना, आपने आगे से आउट करना है। तो मैंने भागा तो मेरे घुटने में बहुत शदीद तकलीफ़ थी, और मेरे घुटने शुरू से 97 में बहुत ख़राब थे। और जब मैं भागा तो मैंने उनको आगे से आउट स्विंग किया, बिल्कुल मुंह से स्विंग किया, लेकिन मुंह में बॉल नहीं था, थोड़ा पीछे पड़ा हुआ बॉल था, उन्होंने आगे से चला दी, कट चला दी, ना वो हाफ वॉली थी ना पूरा पीछे का बॉल था, तो मैंने चला दी। यही मैंने रखा कि आगे से आउट करूँगा, मैं आगे से आउट स्विंग करूँगा और तेज़ करूँगा वाइडर ऑफ द क्रीज जाके,
वाइडर ऑफ द क्रीज जाके एंगल के साथ आउटस्विंग करूंगा ताकि उनकी निक लगे, वो आउट हो गए। हमने 132 बनाए हुए थे और मुझे टास्क दिया गया था यार ये मैच जिताओ किस तरीके से। तो जब मैच शुरू हुआ, सहवाग आउट हुए, अब फिर मेरे ख्याल में एक और बैट्समैन गौतम गंभीर थे, उनको आउट किया मैंने। फिर मेरे ख्याल में मनोज तिवारी थे या शायद वो आए, नहीं ए बी डिविलियर्स आए। जब ए बी डिविलियर्स आए तो मैंने सोचा कि सौरभ ने कहा यार पुल अच्छा खेलता है, तो मैंने कहा नहीं मेरी पेस पे तो अच्छा नहीं खेलता, मेरी पेस में कोई भी दुनिया में अच्छा नहीं खेलता मेरी पेस के ऊपर, तो आप घबराएं नहीं। मैंने पहला बाउंसर किया उनको तेज़, तो वो थोड़ा सा बीट हुए। फिर दूसरा उन्होंने कोशिश की मुझे मारे, वो बहुत लेट हो गए थे, तो जो ही लेट हुए कैच कर पकड़ लिया, आउट हुए। तो फिर मैंने दूसरा चौथा भी आउट कर लिया, तो मैंने आगे बॉल करके आउट किए और आगे जोर लगाया। लेकिन जब मैं आगे जोर लगा रहा था तो मेरे लैंडिंग फुट में थोड़ा ट्वीक हुआ और घुटना मेरा टूट गया और बहुत तकलीफ में था मैं और मैं चल नहीं सक रहा था। तो शार्क ने मुझसे पूछा यार कि इतनी तकलीफ़ आकर क्यों सहते हो भाई, तो मैंने कहा यार ये तकलीफ़ तो मेरी ज़िंदगी का हिस्सा रही है और ये मेरी बॉलिंग का भी हिस्सा रही है। अगर मुझे कभी 2 से 3 साल बगैर दर्द के बॉलिंग करने के लिए मिल जाते तो शायद मैं 200 आउट भी कर लेता। तो शाहरुख ने बड़ा मैं सिंपथाइज़ किया। सौरभ ने कहा यार कि हम मैच ये जीत गए हैं और तुम्हारी वजह से जीते हैं। तो जब मैं शाहरुख मेरे गोद पे चढ़ गए, फिर आप देखो फिर मुझे कंधों पे उठा के लाए होटल में, तो मैं उनसे यही कह रहा था यार कि मैंने इतने मैच जीते हैं तो इतना तो रिस्पॉन्स कभी नहीं आया, आप इतना क्यों कर रहे हैं। कहते हैं यार आपने जो इतनी तकलीफ में हमारे लिए किया है तो उसका हम शुक्रिया अदा करना चाहते हैं। तो कोलकाता वॉज अमेजिंग, द पीपल ऑफ that city was amazing. Just I have been loved all across the Hindustan and I'm very thankful to them and I just want to say thank you very much and keep loving me the way you loved me. And jab se maine YouTube channel launch kiya hai to bahut sara feedback wahan se bhi bahut aata hai Hindustan se, aur performances jo meri best aayi hain India ke against bhi aayi hain, aur usi ground mein maine Sachin Tendulkar aur Sehwag driver ko bhi out kiya tha और उसी ग्राउंड में फिर मैंने दोबारा मैच जिताया। तो एक बड़ी अच्छी मेमोरीज है मेरी ईडन गार्डन में, आई थिंक इट्स वन ऑफ माई फेवरेट ग्राउंड, मेरी फेवरेट पिचेस टू बॉल ऑन और आई लव्ड एवरी बिट ऑफ इट। थैंक यू वेरी मच, कीप सब्सक्राइबिंग माय शोएब अख्तर यूट्यूब चैनल, लव यू ऑल, टेक केयर। लुक गाइस, आई एम द फर्स्ट पर्सन हु क्रिटिसाइज, आई एम द फर्स्ट पर्सन हु एक्चुअली ट्राई टू से द लॉजिकल थिंग्स, और आप लोगों को पसंद आती है क्योंकि मैं ब्लंटली बात करता हूं और कोशिश करता हूं लॉजिकल बात करने की। लेकिन जो एक बंदा जो इंजर्ड नहीं होता था, जिसको 24 घंटे इंजरी रहती थी, पूछो कौन। मैं तो समझ गया। ओह यार, ओए मैं क्या हुआ यार, मैं निकल आया। मैं कह तेरी पेस 120 है, तेरा निकल कैसे निकल सकता है अजहर महमूद। पाकिस्तान वहीं से बाहर हो गए थे जब वेस्ट इंडीज का पहला मैच पाकिस्तान बहुत बुरी तरह से हारा। फखर, इमाम, बाबर, ये आपका सेट है, ये छेड़ने की जरूरत नहीं है आपको। ये अभी तक धड़क रहा है, बहुत जोर का धड़क रहा है, और मैंने कहा था ना आपसे फैंटा लग जाएगा। याद रखना एक उंगली दूसरी की तरफ होती है, चार अपनी तरफ होती हैं, सो ये याद रखना। सो डोंट स्टॉप क्रिटिसाइज सानी मिर्जा एंड प्लीज वंस फॉर ऑल आई एम सेइंग टू यू, सोनाली बेंद्रे मेरा कुछ भी नहीं था इसमें, कुछ ऐसा नहीं था, प्लीज स्टॉप दिस स्पेकुलेशन वंस फॉर ऑल, आई एम रिक्वेस्टिंग ऑल द मीडिया। पूरी कौम खड़ी हुई है, लेकिन ये याद रखना कि ओवरसीज पाकिस्तानी हमारा एसेट था, फ्रंट लाइन फोर्स है हमारी। जब भी पाकिस्तान फंसा है, जब भी पाकिस्तान कहीं भी मुश्किल आता, अभी भी मुश्किल माशी हालात में फंसा हुआ है, तो ये हमारे जो फॉरेन रेमिटेंस हैं, जो आप लोग हैं, हमारा ओवरसीज पाकिस्तानी, ये आज भी मदद के लिए सबसे पहले खड़ा होता है। ये जो जगह है ना, ये भी बहुत ज्यादा पुरानी है और हिंदुओं के लिए बड़ी सीक्रेट हिस्टोरिकल प्लेस, बड़ी हिस्टोरिकल प्लेस है। तो मैं इसलिए वीडियो बना रहा हूँ तो हमारे जो लोग हिंदुस्तान में वो देखें, क्योंकि बात क्या है, अब क्या करेगा बीसीसीआई। BCCI अब इनकी जो जितने दोस्तों को विराट कोहली ने फेवर दी थी और उनको प्लेयर बनाने में मदद की थी और अच्छी नीयत से की थी कि केएल राहुल प्लेयर बन जाए, दिनेश कार्तिक बन जाए, सारे आ जाएं, पंट आ जाए, वो अब फेवर इन दोस्तों को नहीं मिलनी। ऑफ स्टंप से निकलती हुई बॉलें बैट्समैनों को तंग करती हैं, स्पेशली इंडियन बैट्समैनों को तंग करती हैं। मैं क्या ये इन बेवकूफों को नहीं पता, तुम्हें पता होना चाहिए। अच्छा कौन है? डेल स्टेन। मैं कहूँ भाई तू इस पेस से हमारे साथ खेल रहा होता, हमने सो भी नहीं करना था। मैं चाहता हूँ
कि नई टीमें वर्ल्ड कप जीतें, उनकी क्रिकेट प्रमोट हो, इंग्लैंड का क्रिकेटर क्रिकेट वर्ल्ड कप जीता जाए। शाहिद अफरीदी ने भी तो ये दो तीन दफ़ा होता ना, वर्ल्ड कप के बाद छोड़े हैं, अब इसके बाद छोड़े हैं, कहते तो मेरे कोई प्लान्स नहीं है। लेकिन लेट्स सी जी, गेल के यूसुफ ने चार दफ़ा रिटायरमेंट दी है ना, आज मैं रिटायर हूँ कल वापस आ जाए। मैं यूसी छोड़ दे यार।